हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल इंडिया न्यूज़ 24x7 में आपका स्वागत है। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और चैनल के द्वारा नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल के बेल आइकन को दबाना न भूलें। झुलसे युवक की इलाज के दौरान मौत, यह खबर यूपी के चंदौली जिले से है, जहाँ नगर पंचायत सेहराजा वार्ड नंबर 12 लोहियानगर के निवासी खालिक अंसारी रविवार की सुबह संदिग्ध परिस्थिति में जल गया था और उसकी मंगलवार को इलाज के दौरान वाराणसी कबीर चौरा अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुट गई। इसके बाद मृतक के घर के पास पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। बताते चले कि सेहराजा के वार्ड नंबर 12 के जुल्फिकार के पुत्र खालिक अंसारी की संदिग्ध परिस्थिति में रविवार को भोर में जल गया था। जैसे ही मंगलवार की सुबह खालिक की मौत की सूचना मिली तो परिजन में मातम का माहौल छा गया। वहीं मृतक की मां ने बयान दिया कि जय श्री राम ना बोलने की ऐसी कोई बात नहीं थी, इसको महज एक अफवाह बताया। इसे देखते हुए मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक प्रेमचंद, सकरणिया क्षेत्राधिकारी प्रदीप सिंह चंदेल, सदर क्षेत्राधिकारी त्रिपुरारी पांडे सहित कई थानों की पुलिस व भारी मात्रा में पीएससी फोर्स तैनात कर दी गई, ताकि क्षेत्र में किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घट सके। अफवाहों को फैलाने वालों पर पुलिस की कड़ी नज़र है। वहीं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह युवक से जुड़े मामले का खुलासा बयान जारी कर दिया है। देखिए चंदौली से कैमरामैन अंकित के साथ गोविंद प्रजापति की रिपोर्ट। अपना नाम बताइए। सैयदुन्निसा जी, निशा जी, जिस बच्चे की मौत हुई क्या आप लगती हैं? क्या हुआ था उस दिन का वाकया जो आप लोगों ने खुद देखा, खुद सुना, जो बच्चे ने क्या बताया आपको? हम उठे, मेरा बच्चा घर पे नहीं था। इसके पापा से बोले बच्चा नहीं है, कहाँ गया? तो बोले 4 बजे लैटिन गया होगा। फिर जो है नहीं आया, तो फिर मैं इनसे बताने में बच्चा मेरा नहीं आया। ये बोले देख लो, थोड़ा देर आता है नहीं आता है, हो सकता है टहलने चला गया होगा। फिर उसके हम भी इनकी बातें हो रही थी, तब से वो आ गया जलता हुआ, पूरा जल चुका था। एक खाली बार अंदर बियर बनाया था। हम बोले, बोला बाहर से मम्मी मम्मी, बोले कहा बेटा? बोले मम्मी जल्दी लाइट जलाइए, हमको बहुत जलन दे रहा है। हम बोला कहा जलन दे रहा है बेटा तुमको, कहाँ गया था? मम्मी बस टहलने गए थे, लाइटिंग गए टहलने गए। हमको 4 जन मुंह बांधे हुए थे, पकड़ के ले गए हमको जला दिया। क्यों कुछ बताया? तो हम बोले बेटा क्यों जला दिया? मम्मी हमको नहीं मानी, हमको पहचाने नहीं बेटा। बोले नहीं मम्मी, वो लोग मुँह बांधे थे। हमकी 2, 4, 5, 6 मम्मी 4 थी। तो इसमें ये बार बार ये बात आ रही है कि कुछ नारा लगाने की बात आ रही है, तो ये बच्चे ने आपसे कुछ जिक्र किया था इसमें? नारा वाली बात नहीं, हमसे बोला था वो। नहीं। मेरे से जो बच्चा बोला मैं वो वही बोली। अच्छा, तो फिर मैं बोला कि 108 पर फोन लगाइए, एम्बुलेंस बुलाइए, इनको ले चलिए। तब तक मेरा सब मोहल्ला भाग के। लेकिन आप लोग माँ बाप हैं, कुछ तो पता होगा कि क्यों आखिर उसको जलाया गया, बिना किसी वजह से कैसे? ऐसा है बेटा ना, वो मेरा बेटा है, तुम भी मेरे बेटे हो। हम कुछ नहीं छिपाए, कुछ नहीं, इतना वो सीधा है। आप लोग अगर नहीं यकीन है तो हमारे गांव में आके पता कर सकते हैं, एक आध दो गांव के बाहर भी पता कर। नहीं तो क्यों, वजह क्या थी? इतने दिन हो गए, 3 दिन आ गए, कुछ तो पता होगा क्यों आखिर कुछ। हम तो 3 दिन से यही पर किसी को क्यों कोई जलाएगा, यही तो हम सोच रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उसने आत्महत्या की है, खुद को जलाया है। कैसे? ऐसा तो नहीं, शादीशुदा है, उस घर में उसकी प्रॉब्लम है बेटा, कैसे जला लेगा? 16 साल का बच्चा को क्या जलाएगा? आत्महत्या नहीं है बेटा, आप मानो आत्महत्या नहीं है बेटा, आपसे आगे करें हाथ जोड़। 16 साल का बच्चा अगर मेरा शादी सीधा होता या मेरा नंगा बदमाश लड़का बेटा होता, मैं खुद उसको छोड़ देती, छोड़ो हटाइए, खुद गलत। ये जो नारे लगाने की बात आ रही है, तो ये पहले क्यों नहीं उसने बताया? बनारस में ही आके इस तरह की बात सामने, ये हम भी नहीं समझ रहे, नहीं मालूम। साहब हम झूठ नहीं बोलेंगे, जो चला गया वो चला गया, फिर मिलेगा नहीं, मगर झूठ हम नहीं बोलेंगे। शुरू से जो मेरे से वो बोला है ऐसा है, मम्मी जल्दी लाइट जलाए, बहुत जलन दे रहा है। हम बोले बेटा कब से तेरा आसरा देख रहे, तो आज कहाँ गया था? बोले मम्मी लाइटिंग से कोई वजह नहीं बता पाया। रविवार को जो संदिग्ध परिस्थितियों में जला था युवक, उसकी मौत हो गई है, उसके बारे में क्या है मामला, तहकीकात में क्या क्षण के सामने आया है? देखिए आज उसकी दुखद परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपन्न हो चुकी है।
और अब हमारे विवेचना के कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि चूंकि जो मृतक है इसके द्वारा जब जीवित था तो जो बयान दिए गए थे उसमें अलग अलग घटनास्थल और अलग अलग जो दिशाओं में थे बताया गया था, और ये सीसीटीवी कैमरे की पहचान के आधार पर और घटनास्थल के चिन्हित हो जाने के बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वो कौन सी बात थी, कौन से ऐसे तथ्य थे जिन्हें वो बच्चा छुपाना चाहता था, क्योंकि वो मजार पे गया था और मजार पे उसके जले कपड़े मिले और वहाँ पे उसकी चप्पल मिली, जबकि उसने पहले जो है भतीजा मोड़, दुधारी पुलिया, छतेम और मनराजपुर इन गांव का उल्लेख किया था जहाँ पे घटना होना बताया था। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि निश्चित तौर पर इस घटना के पीछे कोई ऐसी चीज़ है जिसे वो बच्चा छुपाना चाहता था। अब कई सूत्रों से छानबीन से ये बातें निकल करके उसके मित्रोंवाद के माध्यम से आ रही हैं कि कुछ का कहना है कि वो जादू टोना भी सीखने का प्रयास कर रहा था और उसके लिए मजार पे कभी कभी जाता था। मजार पे कोई मौलवी रहता नहीं है, केवल बृहस्पतिवार को एक मौलवी आते हैं, तो हम उस विषय में भी गहराई से छानबीन और जांच का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की कोई बात थी या नहीं थी। और अमूमन घर वालों ने ये FIR में लिखाया था कि लगभग 4 बजे प्रतिदिन दौड़ने जाता था, लेकिन ऐसी बात नहीं पाई गई, वो 6:30 बजे ही रोज़ उठता था और उस दिन 4 बजे भी वो नहीं गया था। और एक चश्मदीद जिनकी गाय ब्याई हुई थी, जिनका घर इसके घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पे है, मौर्या जी हैं, उनके द्वारा बताया गया कि रात में 2 बजे जब वो बाहर अपने गाय के चक्कर में थे तो उस समय इस लड़के को जाते हुए देखा था और इससे पूछा भी कितनी रात को कहाँ जा रहे हो। तो किन परिस्थितियों में रात को 2 बजे वो घर से निकला और मजार की दिशा में गया, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण विवेचना का विषय है। मजार के पास स्थित एक ढाबे पर भी कुछ लोग थे, उनसे भी मेरी बातचीत चल रही है और हम जानकारी का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ आसपास और कोई दिखा या नहीं दिखा, क्या था। इसके अलावा मौर्या जो समाचार पत्रों के हाकर का काम करता है उसकी भी महत्वपूर्ण गवाही है और वो मौके पे अपने को उस समय उपस्थित 4:25 पर बता रहा था। तो तमाम चीज़ें हैं और रंजिश से लेकर के इसके द्वारा उच्चारित किए गए सुनील के नाम से लेकर और जितने भी बिंदु हो सकते हैं हम सभी के परिप्रेक्ष्य में बहुत गहनता से विवेचना कर रहे हैं और हम चाहते हैं बिल्कुल घटना का सत्य अनावरण हो ताकि कोई निर्दोष जेल भी न जाए और जो दोषी है वो बच न पाए। कितनी टीमें बनाई हैं आपने इसके लिए? इसके लिए हमारे स्तर से 4 टीमें बनाई गई हैं जिसमें 2 अलग अलग क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में और क्राइम ब्रांच स्वाट की टीम, सर्विलांस की टीम को भी हमने लगा रखा। सर वाराणसी में हो गया था जब हॉस्पिटलाइज था तो उसने एक बयान दिया था, वो चौथा और अलग टाइप का बयान था कि जय श्री राम का नारा लगवाने के लिए उसको जला दिया गया, तो इसके पीछे क्या सच्चाई छन के आई है? नहीं, उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष जो अपना बयान दिया है, मेरी बात हुई है, उस बयान में इस तरह की किसी भी बात का कोई उल्लेख उसके द्वारा नहीं किया गया है। जो घटना का प्रकार उसके द्वारा शुरुआत में बताया गया था, 4 लड़के मुंह बांधे थे और एक ने सुनील का नाम लिया था, वही बयान उसने मजिस्ट्रेट को भी दिया है। बीच में ऐसा प्रतीत होता है कि परसों शाम को कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा उसके माता और पिता को मोटिवेट करके अपने शब्दों को उनके मुँह से निकलवाने का प्रयास किया गया था, लेकिन आज उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ का एक बयान अभी मीडिया पर आया है और उस बयान को देखने के बाद उसकी माँ भी ये कह रही है कि इस तरह की कोई बात नहीं थी और मैं उसके मरने के बाद झूठ नहीं बोलूँगी, तो वो भी विश्वसनीय प्रतीत होता है कि उसकी माँ जो अब कह रही है वो सत्य कह रही है। तो जिन लोगों ने इस तरह की साजिश रची, उसको एक धर्म का आड़ देना चाहा और माहौल को ख़राब करने की कोशिश करी, तो इसमें कौन कौन लोग शामिल थे और क्या कार्रवाई कर रहे हैं? वो हमारी जाँच का विषय है और हम उन लोगों के बारे में जानकारी काफ़ी इकट्ठा कर चुके हैं और उस जानकारी के आधार पर जो भी आपराधिक मामला बनता है वो कार्रवाई की है। कुछ नाम सामने आए हैं आप बताना चाहेंगे? नहीं, नाम मैं सोशल मीडिया पे नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन मेरे पास कुछ मोबाइल नंबर्स और कुछ फोटोग्राफ्स आए हैं जिनके आधार पर हम उनकी शिनाख्त का प्रयास कर रहे हैं।